पहले कॉलर है लखनऊ से शिवम, स्वागत है आपका। मेरे पापा की जो है 2 साल से तबीयत खराब रहती है। उनको जो है दिमागी बुखार था, 3-3 बुखार थे इनको। और उसके बाद उनको जो है 13 दिन तो वो कोमा में थे। कोमा से निकलने के बाद उनको जो है हाथ, उनका जो बायां हाथ है वो हाथ सीधा नहीं हो रहा है, ना हाथ उठता है ना सीधा होता है, सिर हो गया हाथ, बिल्कुल भी हरकत नहीं है हाथ में, बिल्कुल भी नहीं हिलता। मूवमेंट तो है मगर जो है सीधा नहीं होता, ना ऊपर जाता है ना घूमता हाथ, एक ही जगह पेट पे रहता। ठीक है ठीक है, और तो कुछ नहीं, क्या उम्र है उनकी? इनका जो है पेट साफ नहीं होता, और दूसरी बात जो है इनका मुंह मुंह में छाले पड़ गए हैं। ठीक है ठीक है, देखिए इंतहाई तेज दवाएं दी जाती हैं और भगवान की इन पे बड़ी कृपा है और आप पर भी, आप पर इसलिए कि आपके जो पिताजी हैं वो आपके लिए बहुत कीमती हैं, भगवान ने इनको नई जिंदगी दी है, याद रखें इनकी ऐसी सेवा करा करें। और देखिए मैं अभी एक नुस्खा बता रहा था, प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो आप भी वो बना लें और अपने पिताजी को 2 बार दिया करें। देखिए नुस्खा बहुत आसान है, धनिया का पाउडर बना लें और अलसी हल्का सा भून कर उसका पाउडर बना लें, दोनों का वज़न बराबर हो, और इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाने से पहले लें तो बहुत अच्छा है, खाना है। और एक आता है नमक जैतून, जैतून का नमक याद रखें, असली लेना ज़रूरी है, नमक जैसा ही दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ये एक चुटकी में जितना आए 2 गिलास पानी में मिला दें और ये पानी पिला दें 1 चम्मच ही खिला के, दिन में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले खिलाना अच्छा है, भूल जाएं तो बाद में भी खिला सकते हैं। तो एक तो ये छाले मुँह के और जितने दवाओं के नुकसान हुए होंगे उन को फ़ायदा करेगा, और खूब तेज़ी से खून की सफाई करता है, और दिमाग से जो बुखारात हैं, जिस्म से जो बुखारात हैं उनको निकालता है, लीवर किडनी और मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को ऐसे धो मांझ कर, बिल्कुल जैसे बर्तन को धो मांझ कर रोज़ाना साफ करके रख देते हैं नए जैसे हो जाते हैं, ऐसे किडनी को, पेट को, एसिडिटी को, कब्ज को, स्किन प्रॉब्लम को और बहुत सारे रोगों में ये काम आता है। मैं अभी इसकी तारीफ़ कर रहा था कि ये एक ऐसा नुस्खा है जो मेरे तजर्बे में, मेरे अनुभव में आया कि जिस कि मैं बहुत ज़्यादा इस नुस्खे की रेस्पेक्ट करता हूँ। आप अपने पिताजी को दिया करें और डॉक्टरों का इलाज भी अभी छोड़े नहीं, खूब ख्याल रखें, ये इस दुनिया में सबसे कीमती हैं आपके लिए, दुनिया में आपके माँ बाप किसी भी दुनिया की कीमत से ज़्यादा है इनका, ऐसी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमृतसर से है रानी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, मेरे को ना गठिया की प्रॉब्लम है। आपकी उम्र कितनी है और ये प्रॉब्लम कब से है? 6 साल से है। आपकी उम्र कितनी है? 45 साल। तो देखिए रानी मैं घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ और 5-6 साल से प्रॉब्लम है, 5-6 महीने ज़रूर लेना, अगर जल्दी भी फ़ायदा हो तब भी इतना ही लेना, और बहुत आसान है। अभी मैं जिक्र कर रहा था अलसी का, अलसी को हल्का सा भून कर, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना, और भूनने से पहले साफ़ कर लेना क्योंकि कंकर बहुत होते हैं इसमें, और फिर हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। और एक आता है गोंद स्याह, स्याह मतलब काला, काला गोंद भी कहते हैं लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, याद रखना, अलसी तो नकली मिलती नहीं, आपको पहचान भी होगी, इसकी आपको पहचान नहीं है, तो गोंद स्याह भी आप ले लें, ये अलग से, ये रॉ मटेरियल है, इसका भी पाउडर बना के अलग रख लें, और 1 चम्मच या 1/2 चम्मच अलसी का पाउडर, छोटा चाय का चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं, और 1/2 ग्राम गोंद स्याह इसमें मिलाकर
चाहे तो मलाई में मिला दें, चाहे तो शहद में मिला के, चाहे तो देसी घी में मिला के, जल्दी से खा के पानी पी लिया करें। गर्म पानी पियेंगे तो बहुत फ़ायदा। ऐसा दो खुराक लेनी है, खाने के बाद लेनी है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, 5-6 महीने लेनी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं राजेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते जी मैडम। नमस्कार सर। मेरी श्रीमती जी का सर दर्द बहुत हो रहा है, चारों तरफ दिखाया लेकिन कहीं आराम आया नहीं है, और बहुत ज्यादा सर दर्द होता है कि सहन होने लायक भी नहीं रहता ठीक है। कितनी है। आयु आयु बताइए, आयु 31 वर्ष है सर। समझ लें या रिकॉर्डिंग कर लें क्या करना है। तो देखिए, ऐसे बैठे हैं और ये कान इससे मिलाने की कोशिश करें, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3 मिनट रोज़ाना करनी है, एक साथ नहीं कर सकती, लेकिन घड़ी देख के 3 मिनट करें, चाहे आप 6 बार में करें, 10 बार में करें, लेकिन 3 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर हो जाए 24 घंटे में। और एक दूसरी बता रहा हूँ, ऐसे पूरी पूरी तरह मोड़े, देखिए ये मैं अपनी ठोड़ी यहाँ तक ले आता हूँ, देखिए ऐसे, ये भी 3 मिनट, चाहे आप किस्तों में करें कोई बात नहीं। एक और एक्सरसाइज है, अपने बेड पर ऐसे सीधे लेट जाएं, और ये हिस्सा, इतना हिस्सा तो बेड पर लेटा रहे, और बाकी गर्दन बेड से नीचे लटका ले ऐसे, ठीक है। ये गर्दन बेड से नीचे लटक जाए और बाकी हिस्सा ऐसा रहे, और ऐसे 5-5 मिनट करके 5 बार कम से कम, या उससे ज़्यादा लेटा करें। अगर आपने ये एक्सरसाइज की तो ठीक 10 से 15 दिन में ये दर्द आप और आपकी पत्नी ढूंढेंगे कि कहाँ गया। ये बहुत खतरनाक दर्द होता है, लेकिन इसका ये इलाज है। दर्द हो तो दर्द की दवा खा लेना, ये दर्द अच्छी करने की एक्सरसाइज नहीं है, ये मरज अच्छी करने की है। इसको संजीदगी से बहुत आप करें, और फिर भी वैसे तो इसी से ठीक हो जाए ना चाहिए, अगर फिर भी परेशानी हो तो असली गोंद सियाह लें, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, ये देसी घी में ऐसे मिला के आधा ग्राम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खा लिया करें, इनका अच्छा होना मुमकिन है। नागपुर से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम, मैडम सॉरी, मेरा नाम है नरेंद्र। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, उनको क्या दिक्कत है उनको? जो एक बार चक्कर आता है मैडम जी, तो 10-10 12-12 घंटे चक्कर कम नहीं होता उसका, बहुत चक्कर का प्रॉब्लम है अभी भी। ठीक, कब से है बच्चा? वो अभी सर जब से मम्मी गिरी है ऊपर से नीचे तब से चक्कर चक्कर आता है, दवा पानी सब मिलते हैं फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है। ठीक है ठीक है, आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं क्या? आप चाहें तो मेरी वीडियो बना लें ताकि आपको याद रहे, और मैं एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो 15-20 दिन करेंगे तो आपकी मम्मी अच्छी हो सकती है। देखिए, ऐसे बैठे सीधा, और ये एक्सरसाइज करते रहें, ठीक है। ये कान को अपने ये मोढ़े से मिलाना है, लेकिन याद रखें ये अक्सर जो महिलाएं करती हैं, यूँ मोढ़ा उठा देते हैं, यूँ कान मिला देते हैं, ऐसे नहीं, मोढ़ा वहीं रहे अपना और ये जाए मिलने के लिए इससे। ये 3 मिनट एक्सरसाइज रोज़ाना करनी है, हर सूरत में हर कीमत पर, ठीक है। और देखिए, मैं इसे मोड़ के कहाँ तक ले आया, यहाँ तक, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 3 मिनट, ये दो एक्सरसाइज। एक और बता रहा हूँ, बेड पर मम्मी को ऐसे सीधा लिटा दें, और पूरा शरीर यहाँ से यहाँ तक का ऐसे सीधा लेटा रहे, और ये गर्दन नीचे लटका लें बेड से नीचे, ऐसे लेटे रहें 5-5 मिनट करके 5 बार कम से कम, या उससे भी ज़्यादा, बहुत अच्छा लगेगा उनको,
चक्कर आए तो आंखें बंद कर लें, चक्कर गायब हो जाते हैं। 15 दिन कर लें मेरे कहने से, उनको फ़ायदा हो तो आप फ़ोन करके बताना, उनको शायद दवा की ज़रूरत नहीं पड़े, और पड़े तो गोंद सिया ले लें, काला गोंद कहते हैं इसे। गोंद सिया आधा आधा ग्राम नाश्ते के बाद और खाने के बाद किसी भी तरह, यानी गोंद सिया आधा ग्राम आप समझ लें कितना होता है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, और मलाई में मिला के खिला दें, या देसी घी में मिला के खिला दें, या शहद में मिला के खिला दें, और पानी पिला दें, गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा, या इस्तेमाल करें, आपको अच्छा लगेगा कि जब आपकी वालिदा, आपकी मम्मी अच्छी हो जाएंगी। ज़रूर करें इलाज जी। मेरठ से गौरव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद गौरव साहब। जय हिंद जी। सर मेरे को यूरिक एसिड की समस्या रहती है, इसकी वजह से मेरी एडियो में दर्द रहता है और मेरा यूरिक एसिड बढ़। ठीक है। हाँ देखिए, अलसी आप समझते हैं, अलसी, अलसी को 200-300 ग्राम खरीद लें और उसको साफ ज़रूर कर लेना, कंकर बहुत ही मिक्स कर देते हैं, और उसको हल्का सा भूनें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भूनें और पाउडर बना के रख लें, और एक आता है गोंद सियाह, काला गोंद, और ये खरीद लें, ये भी रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना के अलग रख लें, और 2 चुटकी गोंद सियाह 1 चम्मच अलसी में मिलाकर, शहद में मिलाकर, मलाई में मिलाकर, या जैसे भी देसी घी में ऐसे मिक्स करके 1 चम्मच इसे खा लिया करें रोज़ाना, पानी से या कम चर्बी के दूध से, दिन में 2 बार खाना है, ऐसा आपकी समस्या हल होना मुमकिन है। बिल्कुल। अगले कॉलर है हमारे साथ सुनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब मैं 3 साल से कोशिश कर रही हूँ, आपके फोन नहीं लगता। लग गया, 3 साल की कोशिश कामयाब हो गई, मैं आपके सामने पेश हूँ, बताइए क्या सवाल? डॉक्टर साहब पैर छू के मैं आपका प्रोग्राम 20 साल से देखती हूँ डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, बताइए क्या सेवा की जाए, कहीं कट ना जाए। लीवर में प्रॉब्लम है, सूजन और पेट पे ना जी, कलेजे पे सूजन आ रखी है डॉक्टर साहब, अभी मेरे को ना उल्टी दस्त हो गए थे। ठीक है ठीक है। आज मैं बड़ी खुश हूँ आपसे, मेरी, हम लोग भी बहुत प्रसन्न है। अच्छा कुछ लिया आपने मेरा नुस्खा बताया हुआ? सारा दिन आपका प्रोग्राम देखते डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत हौसला अफजाई। ये बताइए मेरा कोई नुस्खा भी आपने आजमाया? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने गोंद चिलगोजा, माजून आरके, और जी गोंद मोरिंगा, और डॉक्टर साहब गोंद सिया, और पहले मैंने टी केयर खाई डॉक्टर साहब, आपकी दवाई 3 साल से खा रही हूँ मैं जी। अच्छा तबीयत अच्छी हुई, किसी को फायदा हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे ना पैर से चला नहीं जाता था, मेरा पैर ठीक हो गया पर मुड़ता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरे पेट में सूजन है डॉक्टर साहब, मेरे अस्थमा भी है, मेरे को अटैक की प्रॉब्लम भी है डॉक्टर साहब, पर मेरे को ये सूजन की। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, आज आपका कॉल मिल गया 3 साल कोशिश के बाद, और सबसे पहले सूजन का इलाज करें लीवर की, बाकी इलाज अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। तो भगवान ने आपको देखिए फ़ायदा दिया, और जो भी फ़ायदा भगवान जिसको भी दे मेरे मशवरे से, उस नुस्खे को सब जगह फैला दें, आपके रिश्तेदारों में उस रोग का कोई रोगी होना नहीं चाहिए, ये हमारी आपसे निवेदन है। अच्छा धनिया और अलसी दोनों तो आप जानते ही होंगे, जब 20 साल से आप जुड़े हुए हैं,
धनिया और अलसी को ऐसे 100-100 ग्राम लेकर हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। ये आपके तकरीबन 10-12 रोगों में काम आता है। याद रखें, ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। और धनिया अलसी को बराबर बराबर वजन में लेके, अगर 200-200 ग्राम लें तो 200-200 ग्राम ले लें, हल्का सा भूनें और पाउडर बना के रख लें। अब एक आता है नमक जैतून, ये दुनिया का बेहतरीन नमक कहलाता है। देखने में नमक जैसा ही है लेकिन स्वाद चखो तो वो नमकीन नहीं होता, इसकी पहचान है। नकली ना ले लें, असली लेना, कीमती चीज़ है। एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला दें और ये जो धनिया और अलसी का पाउडर आपने बनाया है 1 चम्मच खाएं और ये पानी पी लिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार बस। और ऐसी गिजाएं, ऐसा भोजन करें जो आसानी से हजम हो जाए, और ये 3-4 महीने लगातार लें। और कोई दवाएं आपकी चल रही हैं तो वो लेती रहे, छोड़े नहीं, लेकिन ये 3-4 महीने आपको लेना ही है। मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरी इज्जत रख लेगा, इस बार भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी।